जगमगाती दिवाली की रात आ गई, चांद निकला नहीं आज आसमां पर, आज धरती भी आसमां पे छा गई। जगमगाती दिवाली की रात आ गई, उम्मीदों की रोशनी में खुशियों का सवेरा हो, अमन की हवाएं चले, मोहब्बत का बसेरा हो, प्यार स्नेह के यौवन में जलाया हो, ऐसा दीप जैसे रोशनी हो भरती हर कहीं, दुनिया सारी ऐसी महके जैसे खुशियों में हर कहीं, वो महके हर कहीं, जैसे फूलों के चेहरे पे रंग आ गया, जैसे कलियों को हंसने का ढंग आ गया, जैसे दुल्हन नसीहत से शर्मा गई, जगमगाती दिवाली की रात आ गई। नमस्कार प्यारे देशवासियों, आप सभी का मैकपाई में स्वागत है। मैं अभिषेक चंदन आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं, आज एक नई प्रस्तुति लेकर, और आप सभी का को दिवाली की पूर्व संध्या पे ढेरों बधाई। आज धनतेरस के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे इस पैनल में उपस्थित हैं डॉक्टर शिवू पोतेन, जो कि एरविन टेक्निकल कॉलेज में एक लेक्चरर हैं, और ये टैम्पा फ्लोरिडा से हमारे सामने उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में, इस मैकपाई के इस पैनल में समक्ष लेकर, नवंबर मैकपाई नवंबर 2021 एडिशन को लेकर। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक जाने कि आप जो कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पे लेक्चरर हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, सर किस कौन से मैं डिपार्टमेंट में? इंटर हाँ मैं ना 6-7 डिग्री लिया हूँ। मैं भारत में पहले बीएससी किया धमतरी साइंस कॉलेज धमतरी से, फिर मतलब बीएड किया भोपाल में एक सेफे कॉलेज था, फिर मास्टर्स किया एमएससी किया यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यूटीडी रायपुर, और फिर सेकंड ईयर किया दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव से। उसके बाद फिर मैं पीएचडी किया उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी से, और वहीं पे एक कॉलेज से मैंने बाद में बीली बीएससी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की थी, और फिर इधर आने के बाद मैंने बैरी यूनिवर्सिटी से बीएसएम करी है। और इधर पे अभी तो मैं पहले तो न्यूट्रिशन का मतलब प्रोफेसर ही था, एक असिस्टेंट प्रोफेसर था न्यूट्रिशन का, एक कॉलेज में पढ़ा जी था, और अभी तो मैं नर्सिंग पढ़ा रहा हूँ टेक्निकल कॉलेज। ओके। तो मैं डॉक्टर शिवू सर को आग्रह करूंगा कि वो हमारा मैकपाई का नवंबर एडिशन को कवर पेज दिखाते हुए एडिशन को रिलीज करें। रिलीज धन्यवाद सर, बहुत खूबसूरत। ये हम देख सकते हैं कवर पेज के साथ स्टार्टिंग जो हमारा है, और मैगजीन, ये कंटेंट पेज है, बहुत ही खूबसूरत कंटेंट पेज है। नवंबर एडिशन को रिलीज करने के लिए शिवू सर का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। मैकपाई की तरफ से इनका स्वागत है हमारे इस पैनल में। अगर जीने की तीव्र इच्छा हो, यानी जिजीविषा जितना तीव्र होगा, मनुष्य के रास्ते में आई भूचालें उसके उठ खड़ा होने से रोक नहीं सकती। मर्मान्तक पीड़ा, रूह कपा देने वाली तकलीफें भी जिंदगी जीने की चाहत को कम नहीं कर सकती हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने आपकी जो लाइफ रही है, जो कैंसर से आप पीड़ित थे, और तो इस जो परिस्थिति में आपने जो अपना लाइफ बिताया है, तो कैसा था, क्या मतलब था, आपने अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए जी, मैं तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स आके मैं इंडिया में पीएचडी किया था केमिस्ट्री में, और उसी वजह से मैं अमेरिका आया H1B से में, और यहाँ आके मैंने बीएसएन या नर्सिंग की पढ़ाई भी करी थी, और मैं बहुत ही बिजी था, मैं 7ों दिन काम करता था, तो मैंने कभी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। नवंबर 28, 2015 को मेरे पिताजी का देहांत होता है, और मैं इंडिया गया, और इंडिया में जाते ही मैं वहां का स्वादिष्ट भोजनों को भरपेट खाने का कोशिश किया और खाया भी, लेकिन मैं 2-3 दिन बाद सब चीज उल्टी कर दिया, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जी वापस यूनाइटेड स्टेट्स आने के बाद ईआर में रात को गया, तो वो लोगों ने बताया कि 2 ठो ट्यूमर है, और बाद में पता चला 6 जगह ट्यूमर है। ये 2015 की बात है, दिसंबर 8 को लोगों ने पहली बार डायग्नोज किया, और दिसंबर 15 को सर्जरी, विपल सर्जरी करके बहुत बड़ा सर्जरी होता है, उसको जी किए, और उसके बाद फिर रिकवरी का एक लंबा दौर चला। लेकिन
फरवरी 2017 आते आते तक ऐसा लगने लगा कि अब ये मतलब बीमारी मुझ पे हावी हो रही है। तो मैंने डॉक्टर से कह दिया कि मुझे अब ये ट्रीटमेंट बंद कर देना है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त डॉक्टर ने एक शब्द कहा था, एक वाक्य, कि हम अभी, जी हमारे पास अभी और भी ऑप्शंस हैं। तो ठीक है, तो अगली सर्जरी कराई और जब जी रिकवर हुआ सर्जरी के बाद, तो मैंने देख लिया कि डॉक्टर लोग तो हार रहे हैं। मैंने खुद मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और मैंने एक स्मूति बनाया। उस स्मूति में था ट्यूमरिक और हल्दी, 4 पीस हल्दी, करीब करीब 30 ग्राम कच्ची हल्दी और 5 ग्राम में छोटा सा जिंजर या अदरक, जी और 100 मिलीलीटर या 3 बड़े स्पून भर के नारियल का तेल, और एक पक्का केला, और 3 जो खजूर के फल, 3 छोटे वाले, इनको डाल के पानी मिला के मैं स्मूथी बना के पीने लगा। और 40 दिन बाद जब मेरा अगला स्कैन हुआ तो मेरे ट्यूमर जी श्रिंक होने लगे। वाह तो उसके बाद मैंने उसी जी को जारी रखा। और तो मैं जो दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर तो छोटी मोटी चीज आती जाती रहती है, लेकिन ये शुरू हुआ मैं जब 2009 1990 में जब मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मेरे जो गाइड महोदय थे वो मॉरिशस चले गए। तो एक बड़ा झटका था क्योंकि गाइड नहीं है तो अपन क्या करें। एनीवे मैं ना उन दिनों जो सक्सेस की बुक्स पढ़ने लगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की पुस्तक थी, और फिर मैंने एक पढ़ा था स्टॉप वरी स्टार्ट लिविंग, वो भी डेल कार्नेगी की थी, और फिर मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी अबाउट मनी, थिंक एंड ग्रो रिच। वही पुस्तक मेरे को सबसे अधिक पसंद आई, थिंक एंड ग्रो रिच की कॉपी अभी भी मेरे पास है, कभी कभी पढ़ता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसी किताबों को पढ़ी और एक माइंड सेट डेवलप किया जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। वो जी बिल्कुल माइंड सेट ही हमको ले गया आगे ले जाती है। तो कैंसर तो उसमें एक पड़ाव था, लेकिन वो माइंड सेट जी जो आज तक मेरे साथ बनी हुई है, वही आप लोग भी अजमाएं। कोई भी सक्सेस की कोई भी पुस्तक पढ़िए, कोई भी, मैं तो किसी पर्टिकुलर नेम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी पुस्तक पढ़िए, कोई भी उसके सक्सेस के, वो जो आजकल इंडिया में बहुत सारे सक्सेस गुरुस हैं, जी जिनकी भी आप सहूलियत लेना चाहते हैं उनके लेक्चर्स को सुनिए, वीडियो, आजकल तो यूट्यूब सब है, तो वीडियो देखिए, सब कुछ भी करिए, लेकिन सक्सेस का माइंड सेट बनाइए। वो माइंड सेट बनते ही बाकी सारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप, थोड़ा सा समय लेते लेकिन हो जाए। जी तो सर, इसमें आपको जब आपने आपको डायग्नोज हुआ, सर्जरी भी हुआ, तो ये सारे में कितना टाइम लग गया आपको कंप्लीटली रिकवर होने में? जो डायग्नोसिस तो 8 दिसंबर 2015 को हुआ था, और मेरा रिकवरी जो फाइनल रिपोर्ट मिली वो मेरे को दिसंबर 22 या 23 दिसंबर 2017 को मिली थी। अरे 2 साल का दो साल जर्नी बाद था। हाँ, लेकिन ये याद रखे कि लोग एक एक कैंसर के चलते मर जाते हैं। मेरे को 6 जगह पे था, लिवर में था, किडनी में था, बिल्कुल ड्यूओडेनम में था, रेक्टम में था, कोलन में था और पेल्विस कैविटी में था। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है सर, अब जो भी जिसको है आपको, नेवर मैं नेवर आपको यही, मैं आज सोचा कि क्या बताऊं, तो यही है कि सर, इस मेरे कैंसर जैसे नेवर गिव अप वाला जो आपका थॉट था, जो माइंड सेटअप था कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, तो ये जो उस टाइम का जो पीरियड होता है, कीमोथेरेपी होते हैं और से भी काफी सारी चीजें होती हैं, तो उस पीरियड में आपका मतलब क्या अनुभव रहा है, तो कृपया वो हमारे दर्शकों का वो शेयर करेंगे प्लीज। अभी विचार क्यों आया, कैसे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जी विचार ऐसा आया, डोंट गिव अप, जी होल्ड ऑन। तो जी उसके बाद ये जो जो कैंसर का डायग्नोसिस, एक ऐसा डायग्नोसिस है जिससे दिमाग सुन्न पड़ गया, जी
मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं सोच रहा था जी, सोचने की हिम्मत ही नहीं था, कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं था। मैं तो अपना रिपोर्ट तक नहीं पढ़ा कि उसमें क्या लिखा है, वो तो अभी तक नहीं पढ़ पाया। तो लेकिन मेरे को मालूम है कैसा ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। जी उसके बाद फिर सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद 3 महीने का रिकवरी पीरियड था। तो उस समय मेरे एक दोस्त आए थे साउथ फ्लोरिडा से, मायामी से। वो जी आए तो मेरे को बोले, यार शिबू तू तो यार बहुत पुस्तकें लिख सकता है, कुछ तो अब खाली बैठा है तो पुस्तक लिख। तो वो शायद एक हिंट कर गए कि चलो यार खाली बैठा हूं, तो मेरा दिमाग इधर उधर भटकने की जगह मैं पुस्तक लिखने लगा। तो एक पुस्तक लिखा, वो है पीरियोडिक टेबल द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएशन। वो पुस्तक मैं उसी संदर्भ में लिखा जब मैं सिख था। तो उसके चलते ना मेरा दिमाग तो कहीं भटका नहीं, मैं अपना केंद्रीकृत हो गया फिर से कि पुस्तक लिख रहे हैं। जी और जब दूसरे 17 में दूसरा पुस्तक लिखा, 16 में एक पुस्तक लिख दिया और 17 में दूसरा लिखा, दूसरा खत्म होते थे तो अपन चंगे हो गए। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सर, आपसे ये सारी जानकारी हम हमारे दर्शकों तक गई, आपने ये शेयर किया। और ये बहुत ही कठिन समय था सर आपके लिए, जो कि आपने इतने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जो भी आपके माइंडसेट रहे, जो भी आपने अपने अनुसार रिकवरी होने का जो नए नुस्खे अपनाए, वो सारी चीज और तमाम डॉक्टरों, दवाइयां, सब कुछ जो भी हुआ उनसे, ये बहुत अच्छे मुकाम पे सर आप आज जो हैं, कि ये कैंसर को मात दे के, ये ऐसी जानलेवा बीमारी को मात देकर, लोगों के एक होते हैं तो लोग जीवित नहीं बचते हैं, आपके तो 6 थे, और उसके बावजूद उतनी पीड़ा और उतने सारे वो जो तमाम उपकरणों से लैस होते हैं, सर्जरी होता है, इन सब के बावजूद अपनी इच्छा शक्ति ही होती है जो कि हमें बनाए रखता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये बातें करके। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि हमारी जो मैगजीन है, जैसे नए लोगों को, नए डिजाइनर्स, अपकमिंग डिजाइनर्स, उन लोगों को काफी मौका मिलता है, उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है ये, जो उभरते हुए डिजाइनर्स हैं, तो उनको अपना ड्रेस डिजाइन जो भी है वो शोकेस करने का एक मौका मिलता है यहाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें, जो उभरते हुए डिजाइनर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, जमाना आप ही का है, अब मेटावर्स आ रहा है। आप कल देखे होंगे कि पिछले 2-4 दिन में या पिछले 1-2 हफ्ते में जितने भी ट्रेडिंग साइट्स हैं उन सब में ये जो मेटावर्स के चलते इस टाइप के जितने भी ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं उन सब का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। किसी का 50%, किसी का 200% ऐसा बढ़ रहा है। तो आप लोग सबका भविष्य अच्छा रहेगा और आप अपने कार्य में भिड़े रहिए। और मेटावर्स आ रहा है, फेसबुक तो बदल रहा है, मेटावर्स में आ रहा है, तो उसके चलते बहुत सारे स्कोप बढ़ेंगे। और आपकी भी, या हम जो मैं बैठा हूं, मुझे भी पूरा पता नहीं है कि क्या क्या असर होगा, लेकिन बहुत बड़ा असर होगा। आपको जॉब खोज के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर से ही आपको मेटावर्स के चलते या आप उन एजेंसी के चलते आप घर से ही आप कमाई कर पाएंगे। आप जो भी कर रहे हो आपके घर से ही आपको मेटावर्स आपको रहा, और मेट बहुत अच्छा रोल मिलेगा। और आप लोगों का भविष्य मैं समझता हूँ बहुत ही उज्जवल है। बस भिड़े रहिए, माइंडसेट बनाए रहिए, हारिए नहीं। और कई बार तो लगता है कि हम छोड़ दें, तोड़ रही है, आ रही है मंजिल तय है। भी ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं सबका वैल्यू बढ़ रहा है जो इस फील्ड में है। इसका मेन कारण मेटावर्स है। जो मेटावर्स जो फेसबुक नया ला रहा है वो इंटरनेट का नया वर्शन है, जिसके चलते सभी कार्य कलाकारों को, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे भरते हो, चाहे कुछ भी करते हो, उन सबके लिए एक जगह बनेगी, सबके लिए एक स्कोप बनेगा। और इंडियंस ही सब दूर है, बहुत सारे जगह में है, इंडियंस तो सारे दुनिया में फैले हुए हैं। तो आप लोगों के लिए सब दूर एक स्कोप है, आवाज है, एक जगह है। तो आप बेझिझक और बेधड़क अपने कार्य को करते रहिए और आपकी सफलता आपके कदमों में चूमेगी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए।
और हमारे मैकपाई की तरफ से आपको आपके आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपावली की भी शुभकामनाएं। तो दिवाली की जी, तो दर्शकों आपने देखा हमारा एक साक्षात्कार जो कि डॉक्टर डॉक्टर शिव पोतन जो एक लेक्चरर हैं फ्लोरिडा में, उन्होंने कैंसर को कैसे मात दिया और आज हमारे सामने उपस्थित हैं, सकुशल हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कार्यक्रम, दर्शकों ये था हमारे कार्यक्रम। हम जानते हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कोरोना से बचकर रहें, सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं उसको बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो छोड़े ही ना। कार्यक्रम का समापन होना है तो आप सभी दर्शकों को, तमाम मैकपाई के तमाम दर्शकों को, पूरे देशवासियों को और जो भी हैं जहां हैं पूरे विश्व भर में सभी को दिवाली और धनतेरस की ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।